हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है जॉब्स। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हमें रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि भाई जॉब्स के ऊपर वीडियो बनाओ कि कैसे हम जॉब सर्च करें, इफेक्टिव तरीका क्या होता है, इजिली हम कहाँ से जॉब फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज आज के डेट में अगर ऑनलाइन आप अगर जॉब सर्च करते हो तो भाई इतना ज़्यादा फेक जॉब ओपनिंग्स पड़ा हुआ है। अलग अलग कंसल्टेंसीज वाले, अलग अलग कंपनीज वाले आपको जॉब्स के नाम पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाते हैं, कुछ पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता है तो आपको जॉब कॉल्स नहीं मिलता है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में आपसे हम बात करेंगे, इफेक्टिव जॉब सर्च करने का तरीका क्या है, कौन से आप वेबसाइट से सर्च करेंगे। हम दो चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे ज़्यादा फोकस होने वाला हमारा टेम्प्रोरी बेसिस पे जो जॉब होता है उसके ऊपर, बिकॉज हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं वो ये बोलते हैं कि भाई हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम अपना सर्वाइवल खर्चा उठाने के लिए हम छोटा मोटा कुछ भी टेम्प्रोरी बेसिस पे जॉब करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपना खर्चा खुद से जॉब करके उठा ले और हम यहाँ पे पढ़ाई भी कर ले। तो वैसे लोगों के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस होने वाला है, लेकिन हम ये भी बताएंगे कि आपको परमानेंट जॉब सर्च करने का सही तरीका क्या है, कहाँ से आप सर्च करेंगे, कैसे सर्च करेंगे, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करो, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स आते रहते हैं, हमें पता चलता है, तो हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे स्टोरी पे उसे पोस्ट कर देते हैं, जहाँ से कि आप वो जॉब्स ले सकते हैं इजिली। तो उसे फॉलो ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं डिटेल में, जॉब सर्च करना कैसे है, कौन से वेबसाइट से सर्च करेंगे, और इफेक्टिव तरीका क्या होता है जॉब सर्च करने का। तो भाई, जॉब सर्च करने का दो तीन तरीका है। एक तो इफेक्टिव तरीका है कि आप ऑफलाइन जॉब सर्च करो। ऑफलाइन जॉब कैसे सर्च करोगे? ऑफलाइन जॉब सर्च करने का तरीका ये होगा कि आप अपने दोस्तों से या किसी जानने वाले से, रिलेटिव से ये पता करो कि जॉब्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, जॉब ओपनिंग्स कहाँ कहाँ पे है आपके फील्ड से रिलेटेड, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। और उसके बाद फिर आप क्या करो कि आप अपने सीवी को या फिर रिज्यूम को डोर टू डोर ले जा करके सबमिट करो और उनके कॉल का वेट करो। ये एक इफ़ेक्टिव तरीका होता है, और इसके अंदर ये जो तरीका होता है ये आप एज ए टेम्प्रोरी बेसिस भी ले सकते हैं और एज ए परमानेंट जॉब भी ले सकते हैं। अच्छे अच्छे जॉब्स ओपनिंग्स के लिए इस टाइप के तरीके को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको मिले आपके जानने वालों में से कहीं से भी, और आप अपने रिज्यूम को या फिर सबमिट को जा करके वहाँ पे सबमिट करो, उसके बाद उनके कॉल का वेट करो। तो ये एक इफ़ेक्टिव तरीका होता है। दूसरा एक इफ़ेक्टिव तरीका होता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस बोले तो आपके कोई ऐसे जानने वाले, आपके रिलेटिव्स या फिर आपके दोस्त या फिर कोई भी ऐसे जानने वाले जो कि किसी बड़े पोस्ट पे किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, और वहाँ जो ओपनिंग्स निकलती है वो आपको इन्फॉर्म करें, आपके सीवी को वहाँ पे सबमिट करवाए और उन्हें आगे बढ़ाने का वो काम करे, थोड़ी सी हेल्प करे। तो ये एक दूसरा इफेक्टिव तरीका होता है। लेकिन तीसरा, सबसे इजी, सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे अच्छा तरीका होता है फॉर टेम्प्रोरी बेसिस के जॉब के लिए, वो होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत होती है कि हमें फेक जॉब कॉल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बहुत सारी कंसल्टेंसीज है जो कि जॉब के लिए वहाँ पर नंबर प्रोवाइड करती है, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको कॉल आएगा, आपसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाएंगे, कुछ पैसे भी चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपको जॉब कॉल्स नहीं मिलेगा। बहुत सारे टाइम पे मिल भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि नहीं मिलता है। लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, बिकॉज आप सब लोग जानते ही कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कितना ज़्यादा फेक जॉब कॉल्स पड़े हुए रहते हैं। लेकिन हम आपको ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म बताएंगे और वो भी इफ़ेक्टिव होगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फेसबुक यूज़ करते ही है। 98% लोग ऐसे होते हैं जो कि फेसबुक यूज़ करते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपके पास फेसबुक होना लाजमी है, ये मैं मान करके चल रहा हूँ, ठीक है? तो आप फेसबुक से भी जॉब सर्च कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और साइड से अपना कुछ खर्चा चलाने के लिए छोटा मोटा जॉब करना चाहते हैं टेम्प्रोरी बेसिस पे। तो फेसबुक का जो जॉब प्लेटफॉर्म है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मुझे लगा है। मैंने खुद कई बार अप्लाई किया है और मुझे कॉल्स भी मिले हैं, मुझे जॉब ऑफर भी आया, लेकिन मुझे जॉब करना नहीं था इसलिए मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मुझे जॉब मिल गया था।
तो कई बार मैंने ऐसा किया है, कई बार मुझे जॉब मिला है, आप भी ऐसा कर सकते हो। पूरा डिटेल में आपको चलिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पे लेकर के चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे जॉब सर्च करना है और कहाँ पे वो आपको ऑप्शन मिलता है जॉब सर्च करने का, वो आपको हम फेसबुक में आपको लाइव दिखा देंगे स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। वैसे आप फ़ोन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो आपको लेकर के चलते हैं और बताते हैं पूरा प्रोसेस कि कैसे करना है। तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। तो यहां से हम ओपन कर लेंगे गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम में हम ओपन कर लेंगे अपना फेसबुक। जैसे ही आप अपना फेसबुक ओपन कीजिएगा गूगल क्रोम में, तो ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा आपके अपने फेसबुक पेज का। अब यहां से हमें कहां पे जॉब सर्च करना है, तो जॉब का एक आइकन यहां पे भी रहता है जो कि आप ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस वाले एरिया में रहता है। आप ये वाला देख रहे होंगे, देख रहे हो, फ्रेंड्स है, जॉब्स है, पेजेस है, इसके अंदर पूरा लिस्ट रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप इसको पूरा देख सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो एक लाइन से जो जो चीज़ें हैं। तो चलिए हम जॉब वाले में चलते हैं और जॉब सर्च करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो हमें ऐसा इंटरफेस मिलेगा जॉब वाले का, और यहाँ पर कुछ जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल है पहले से ही, तो हम यहाँ चाहे तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें जिस फील्ड में जॉब चाहिए या हमें जिस जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम खुद से इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे। तो कहाँ से करेंगे, दो चीज़ें हैं, या तो आप खुद हायर भी कर सकते हैं, जॉब ऑफर भी कर सकते हैं, या फिर आप जॉब सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको जॉब देना है तो जॉब हायरिंग में आप इसको चेक करके रखिएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, जॉब सर्च करना है, तो हम इसको जॉब सीकिंग में चेक करके रखते हैं। अब उसके बाद आ जाता है ये फिल्टर। फिल्टर में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना लोकेशन सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम मैं अभी रांची में हूँ, तो रांची का लोकेशन हमने डाल दिया है। आप जहाँ पे भी हो वहाँ का लोकेशन आप डाल सकते हो, और आपका जो घर है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से कितने दूर के रेडियस में आपको जॉब चाहिए, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे 1 किलोमीटर दूर के अंदर, 2 किलोमीटर, 5, 10, 20, 40, 60, ऐसे करके है। तो जितने दूर के रेडियस में आप जॉब कर सकते हो वो आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मैंने इसे 5 किलोमीटर का रेडियस कर रखा है, यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद फिर अब आ जाते हैं, हमें अपना सैलरी कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो हमें मंथली सैलरी चाहिए, हम यहाँ पे थ्रेश होल्ड डाल देते हैं मिनिमम मैक्सिमम का। हम इसे एज ए टेम्प्रोरी बेसिस पर जॉब सर्च कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सैलरी रखने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 हज़ार डाल देते हैं, ठीक है। 15 हज़ार सैलरी डाल दिया। अब टाइप, टाइप में आ गया आपको किस टाइप का जॉब चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, टाइप में फुल टाइम, पार्ट टाइम, इंटर्नशिप, वॉलेंटियर, कॉन्ट्रैक्ट, जितना भी है सबको चेकआउट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्री टाइप में। इंडस्ट्री टाइप में अब यहाँ से हम लोग ये कर लेंगे अकाउंट, और उसके बाद फिर आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, उसके बाद आ गया आपका रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विसेज, सेल्स एंड मार्केटिंग। हमें एज ए टेम्प्रोरी बेसिस पे जॉब चाहिए, तो जैसा भी मिले हम ले लेंगे, ठीक है। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, इतना हमने चेकआउट कर दिया है, और इससे रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं वो आपको यहाँ पे अब दिख रहा है। देख रहे हैं कितने सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, और जितना सर्च करोगे बहुत होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इस टाइप से। अब अप्लाई हम कैसे करेंगे, तो एक मैंने अप्लाई कर दिया हुआ था, चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं। अर्जेंट नीड फॉर सेल्स एडवाइज़र, ठीक है। तो यहाँ से हम गए, अब यहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है आपको कुछ डिटेल्स मांगेगा, आपका नाम, उसके बाद फ़ोन नंबर, ये मैंने कोई रैंडम नंबर डाल दिया है, आपका यहाँ पे लोकेशन, आप जिस सिटी में हो वो आप डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे कर देते हैं रांची, रांची झारखंड। अभी मैं यहाँ पे हूँ, आप अपना मेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद ये आपके फेसबुक में जो आपने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है वो भी शो करेगा। अब यहाँ से हम इसे सेंड कर देते हैं,
ठीक है। और ये देखिए अप्लाई हो गया। जैसी और आगे बढ़ेंगे तो मार्केटिंग, सेल्स पर्सन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, टेली कॉलिंग, डिज़ाइनर, चलिए हम डिज़ाइनर में डालते हैं। इसका जो ये रखा है सैलरी वो देखिए 7,000 से 15,000 पर मंथ के हिसाब से रखा हुआ है, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं। इसमें भी हम डाल देते हैं क्या, रांची झारखंड, ठीक है, अपना मेल आईडी, और इसको भी हम भेज देते हैं। तो ये भी हो गया अप्लाई। अब ये देखिए आपके एप्लीकेशन को किसी ने देख भी लिया है, यहाँ से मुझे अब मैसेज भी आ रहा है, आपके मैसेंजर पे मैसेज आएगा, आप अगर कहीं पे करेंगे वो अगर इंटरेस्टेड होगा आपके प्रोफाइल, आप जो भी सेंड करेंगे अपना रिज्यूम वज्यूम के लिए, तो वो आपको मैसेंजर पे मैसेज करेगा कि आप अपना नंबर दो, या फिर आपसे आपको वो नंबर प्रोवाइड करेगा व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप अपना रिज्यूम सेंड करेंगे। तो यही तरीका होता है फेसबुक पे जॉब सर्च करने का। एक मैसेज भी आ गया है, ये आप देख सकते हो, और इसको हम बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही आप सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो पूरा प्रोसेस है समझ में आ गया होगा। मोबाइल में और भी ज़्यादा इजी रहता है, मोबाइल में आप जब करोगे तो और भी ज़्यादा इजी लगेगा आपको। और दिन भर क्या करते हो यार, बैठे रहते हो, तो यही करो, भेज दिया करो, अप्लाई करते रहो, होना नहीं होना बात की बात है। तो बस गाइज, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा गाइज तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट कर देते हैं। कुछ एचआर से हमारे जो है कॉन्टैक्ट हो गए हैं, तो वो हमें ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म करते रहते हैं कि भाई इस फील्ड में जो है ये ओपनिंग्स आई है, जॉब ओपनिंग्स आई है, तो आप पोस्ट कर सकते हो, तो हम ऐसा करते हैं। तो आप ज़रूर से इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपको वहाँ पे भी जॉब से रिलेटेड कुछ कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी ओपनिंग्स आएगी हम वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया करेंगे। तो ज़रूर से फॉलो करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।